आप सबका इस्तकबाल ही इंटरेक्स न्यूज़ पर। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जैसे कि कुछ माएँ अपनी औलाद के लिए जान पर खेलकर अपनी औलाद को बचाती है। पर यहाँ कुछ और ही वाकया देखने मिला। एक शर्मनाक वाकया पेश आया जहाँ एक माँ ने अपनी औलाद को बेच दिया चंद रुपयों के लिए। तफसीलात के मुताबिक हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में अब्दुल मुजाहिद की लव मैरिज हुई थी 22 साल जोया खान से और उनको बेटा हुआ था जिसका नाम शेख अदनान रखा गया जो 2 महीनों का था। 3 अगस्त को मुजाहिद और जोया के बीच झगड़ा हुआ और मुजाहिद बीवी बच्चों को छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गया था और 8 अगस्त को शाम 6:30 पर जब वापस आए तो अपनी बीवी से पूछा कि बेटा कहाँ है। जोया ने कहा कि वो बेटे को बेच दी है 45,000 में शेख मोहम्मद और तबस्सुम बेगम को। मुजाहिद ने फौरन वो लोग को कॉल करके अपना बेटा वापस देने कहा पर वो लोग नहीं दिए और बाद में मालूम हुआ कि शेख मोहम्मद और तबस्सुम बेगम मिलकर किसी और को बेच दिए। उसके बाद अपने बेटे की खातिर बाप ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की और पुलिस ने बखूबी कुछ घंटों में बेटे को महफूज अपने बाप के हाथों हवाले कर दिया। क्या वाकई में माँ ऐसी होती है या वो मजबूरी में ये सब करी है? ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और जुड़े रहें इंटरेक्स न्यूज़ के साथ। कल दोपहर में 2:30 PM को अब्दुल माजिद बोलकर सुबानपुरा में रहता था, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके इंस्पेक्टर साहब को मिलकर कंप्लेंट दिया। मेरा बच्चे को 2 मंथ्स बाय शेख अदनान को, उसका वाइफ जो है बच्चे का माँ, 45,000 रुपीज़ को दूसरों को बेच दिया। मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे को रिकवर करके दो बोलकर एक कंप्लेंट दिए तो इमीडिएटली सेक्शन 84 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ IPC के नीचे FIR इश्यू करके पूरे इन्वेस्टिगेशन करे तो ये बच्चे का अम्मा जो है शेख जोया खान, ये महीने 4 तारीख ये सुबानपुरा में रहने वाले शेख महमूद को अप्रोच होके बच्चे को भेज देता हूँ। मेरा हस्बैंड जो है मेरे पास नहीं है, उन्होंने उसका अम्मा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया, मैं अकेले हूँ, इसको नहीं पाल सक रहा हूँ, ये बच्चे को भेज दे के मैं बॉम्बे को चले जाता हूँ बोलकर बोले तो ये शेख महमूद जो है तबस्सुम को बोले थे और तबस्सुम सिराज बेगम को बोले तो सिराज बेगम उसका बहन को बोले तो उसका बहन का बेटी को बच्चे नहीं है बोलकर वो बच्चे 45,000 को ले लेके आयशा बेगम को हैंड ओवर कर दिया। ये आयशा बेगम चंचलगुड़ा में रहता, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कल 3-4 घंटे में वो बच्चे को रिकवर कर दिए, फिर उसका बाप को हैंड ओवर कर दिए, चाहे सब लोगों को इसमें कस्टडी में ले लिए। इसमें पूरे 6 पर्सन अक्यूज रहे, बच्चे का माँ भी इसमें A1 है अक्यूज, और उसका पालने को लिए सो आयशा बेगम A2 है और A3 A4 A5 A6 मेंबर्स है, पूरे लोगों को अरेस्ट कर लिए, कस्टडी में ले लेके भाई को रिकवर करके बच्चे का बाप को हैंड ओवर कर दिए। उन लोगों को आज कोर्ट में पेश करने हैं। अब्दुल मुजाहिद बच्चे छोटा बच्चे का बाप है। A1 हस्बैंड। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।